आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूँ आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस के बारे में, मतलब हमारे अंदर कितने प्रकार के दांत होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ टीथ। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटल तो 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेन सिर्फ 4 होते हैं, जो कि हैं इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये हैं 4 मेन टाइप्स ऑफ टीथ। लेकिन एक और है जो जब हम बहुत ज़्यादा एज के हो जाते हैं या फिर जब हम नॉर्मल एज के हो जाते हैं, यानी कि अडल्ट हो जाते हैं, तब आते हैं जिन्हें हम कहते हैं विजडम टीथ। क्या कहते हैं? विजडम टीथ। तो यानी कि मेन 4 होते हैं जो आपको याद रखने हैं, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अब हम बारी बारी से हर एक के बारे के फंक्शंस के बारे में जानेंगे, तो चलो देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसीजर्स के बारे में। तो हमारे जो इंसीजर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा विजिबल होते हैं, यानी कि दे आर द मोस्ट विजिबल, सबसे ज़्यादा विजिबल होते हैं, क्योंकि वही सबसे आगे वाले होते हैं। इसलिए जब भी हम कुछ बोलते हैं या फिर जब हम स्माइल करते हैं तो सबसे ज़्यादा विजिबल इंसीजर्स ही होते हैं, क्योंकि वो आगे वाले दांत हैं। उसके बाद है टोटल 8। ये टोटल 8 होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, यानी कि टोटल 8। अब वेरी इंपॉर्टेंट, इंसीजर्स ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि हर एक टाइप ऑफ टीथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इंसीजर्स कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब कैसे इम्पॉर्टेंट है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले है बाइटिंग। जो इंसीजर्स है वो हमें फूड को बाइट करने में हेल्प करते हैं, मींस कट करने में, यानी कि बाइट करने में। उसके बाद हेल्प्स इन प्रोनाउंसिंग वर्ड्स। इंसीजर्स के बिना हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, इंसीजर्स के बिना हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, इंसीजर्स ही हेल्प करते हैं हमें वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में। इसके बाद है सपोर्ट्स लिप्स। जो इंसीजर्स हैं वो हमारे लिप्स को भी जो है सपोर्ट देते हैं, इसलिए हमारे लिप्स की शेप जो है ऐसी होती है। अब हम पढ़ेंगे कैनाइंस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, टोटल 4, यानी कि जो कैनाइंस हैं वो सिर्फ 4 होते हैं, 2 ऊपर इंसीजर्स के आसपास और 2 नीचे इंसीजर्स के आसपास, यानी कि टोटल 4। इसके बाद पॉइंटर एंड शार्पर। जो हमारे कैनाइंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड और शार्पन होते हैं, यानी कि वो फ्लैश को टीयर करने के काम आते हैं, यानी कि जो हार्डर फूड्स होते हैं। फिर है बाइटिंग एंड टीयरिंग। ये भी इंसीजर्स की तरह बाइटिंग और टीयरिंग में ही हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट है गाइड द माउथ क्लोज्ड। अब इसका क्या मतलब है, जो कैनाइंस हैं वो हमारे मुंह को बंद करने में हेल्प करते हैं, जब हमारा अपर जॉ और जो हमारा लोअर जॉ है वो एक साथ आते हैं तो कैनाइंस इस काम को करने में हेल्प करते हैं। फिर है हार्डर फूड। मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे कैनाइंस हैं वो हमें थोड़े हार्ड फूड, यानी कि मीट, फ्लैश, हार्ड फ्रूट्स, ऐसी चीज़ों को खाने में हेल्प करते हैं, यानी कि उनको बाइट करने का तरीका बताते हैं, यानी कि पॉइंटेड होते हैं तो हम इजीली हार्डर फूड इनकी हेल्प से खा सकते हैं। अब नेक्स्ट है 9 to 10 ईयर्स एज। यानी कि जब हम 9 to 10 ईयर्स के हो जाते हैं तब हमारे कैनाइंस जो हैं उगने छाले हो जाते हैं, यानी कि आ जाते हैं। उसके बाद है लोअर कम बिफोर अपर। इसका मीन्स क्या है, जो हमारे लोअर कैनाइंस हैं वो अपर कैनाइंस से पहले उग जाते हैं। तो ये है कैनाइंस के फंक्शंस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे प्रीमोलर्स के बारे में। तो सबसे पहले है बाइकस्पिड्स। इसका मीन्स है प्रीमोलर्स का दूसरा नेम। प्रीमोलर्स को हम और क्या कहते हैं, बाइकस्पिड्स। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड्स। इसके बाद है टोटल 8। जो प्रीमोलर्स हैं वो टोटल 8 होते हैं, 4 ऊपर कैनाइंस के बगल में और 4 नीचे कैनाइंस के बगल में। उसके बाद है च्यू एंड क्रश। इनका फंक्शन क्या होता है, ये फूड को चबाने में और क्रश करने में हेल्प करते हैं। फिर है समटाइम्स टीयरिंग। ये कुछ टाइम, यानी कि कभी कभी हम इन्हें टीयरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं।
फिर है शेप ऑफ फेस। जो प्रीमोलर्स है वो हमारी फेस की शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। फिर है वेरी स्ट्रॉन्ग। जो प्रीमोलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं अंडर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर, और ये मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर भी झेल सकते हैं, मीन्स काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी इन पर पड़े तो ये नहीं टूटेंगे। और ये जो शेप ऑफ फेस का मीन्स है कि अगर हमारे प्रीमोलर्स टूट जाएं या फिर हमारे प्रीमोलर्स ना हों तो हमारे जो फेस का अपीयरेंस है, हम कैसे दिखते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा। इसका मीन्स ये शेप जो फेस की है, फेस की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मोलर्स के बारे में। मोलर्स टोटल 8 होते हैं, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे, और ये सबसे पीछे होते हैं। अब है वेरी स्ट्रॉन्ग। जो मोलर्स है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे सभी टीथ में से। अब नेक्स्ट है च्यू, क्रश और ग्राइंड। तो जो हमारे मोलर्स हैं उन्हें हम चबाने में, क्रश करने में और ग्राइंड करने में यूज करते हैं खाने को। अब नेक्स्ट है थर्ड मोलर्स। इसका क्या मतलब है? थर्ड मोलर्स दूसरा नाम है विजडम टीथ का। तो कुछ लोग कहते हैं कि विजडम टीथ भी मोलर्स ही हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि विजडम टीथ मोलर्स नहीं होते, इसलिए हम इसे प्रैक्टिकली प्रूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि जो थर्ड मोलर्स हैं इसका मीन्स विजडम टीथ को भी हम मोलर्स कह सकते हैं। फिर है गुड ओरल हाइजीन। अब ये जो हमारे मोलर्स हैं ना वो हमें फूड को प्रॉपरली खाने में हेल्प करते हैं, इसलिए हमें रोज़ ब्रश करना चाहिए और अच्छे ओरल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए अपने मोलर्स को हेल्दी रखने के लिए। अब नेक्स्ट है नाइट ग्राइंडिंग। अब इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों को ना आदत होती है, वो रात को सोते समय अपने जो मोलर्स हैं उनको ग्राइंड करते रहते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वो हमारे दांतों को अनहेल्दी बनाता है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ये पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।